सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बारानगर म्यूनसिपालिटी में मजदूर के पद के लिए 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कोलकाता से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। साथियों, एडवर्टाइजमेंट संख्या और यह डेट 18 नवंबर 2019 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मजदूर ग्रुप डी के 50 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी हुई है, जिसके लिए आपको 16,200 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी और केवल 8वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो वैकेंसी है उसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एससी एसटी ओबीसी जेएनएल कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्ट मिलेंगी अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये उम्र सीमा है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी इन कैंडिडेट को और जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा आयु सीमा में। ठीक, अगर यहाँ पर हम बात करें कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर इंटरव्यू और टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। ऑर्डिनरी ये पोस्ट है और इसके लिए आपको जो आवेदन है वो ऑफलाइन यहाँ पर करना होगा। ठीक, कोई और जानकारी के लिए आप www.baranagarmunicipality.org पर जाकर इस भर्ती के बारे में पूरी अपडेट ले सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वह इस जो एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेयरमैन बारा नगर म्यूनसिपालिटी 87, ठीक है, इस एड्रेस पर, कोलकाता के इस एड्रेस पर आपको 6 दिसंबर 2019 से पहले उस फॉर्म को भर कर भेजना है। साथ ही साथ आपको उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद लगाने हैं। ठीक, इसमें जो भर्ती में सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा, मैंने पहले भी आपको ये चीज बता दी है। आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो आपको थोड़ी देर बाद बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें उस वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ।